नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। कौशाम्बी जिले में हाई वोल्टेज करंट लगने से आइसक्रीम फैक्ट्री के मालिक की मौत हो गई है। घटना जिले के मनसनपुर कोतवाली इलाके के चक्रनगर मोहल्ले की है। बता दें कि आइसक्रीम फैक्ट्री के मालिक संतोष गुप्ता रोज की भांत आज जब अपनी फैक्ट्री पहुंचे और दरवाजे का लॉक खोल रहे थे, तभी दरवाजे में उतरे हाई वोल्टेज करंट लगने से वह गंभीर रूप से झुलस गए। परिवार वालों ने आन-फान में गंभीर रूप से झुलस संतोष गुप्ता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने आइसक्रीम फैक्ट्री के मालिक को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची मंजनपुर कोतवाली पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जाता है कि फैक्ट्री के दरवाजे में शॉर्ट सर्किट की वजह से करंट उतरा था, जिसके चपेट में आने से आइसक्रीम फैक्ट्री के मालिक की मौत हुई है। संतोष गुप्ता नाम का एक पेशेंट मंजनपुर से आया था 5 मिनट पहले ही, लेकिन जब आया था तो उसकी धड़कन वगैरह बिल्कुल नहीं थी। हमने कोशिश की फिर भी कि शायद अभी थोड़ी पहले की बात हो, कुछ याद किया लेकिन वापस नहीं आया। बड़ा हुआ याद दिखता है, तो बिल्कुल क्लियर। संतोष